हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है मेरे चैनल में आप सभी का। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड शिक्षक भर्ती के बारे में। हम बात करें तो यहाँ पर जो है शिक्षा मंत्री ने एक बड़ा बयान दिया है और इनका कहना है कि अब जो सरकार जो करेगी भर्ती तो गेस्ट टीचरों की भर्ती करेगी या तो यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा भर्ती करेगी। आप सभी को पता होगा कि 1 जनवरी 2019 को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में गेस्ट टीचरों की भर्ती बंद कर दी थी और उनका कहना था कि यहाँ पर जो है उत्तराखंड में स्थायी भर्ती की जाएगी। अब कोई भी टीचर यहाँ पर अस्थायी रूप से नहीं कार्य करेगा, उनका कहना था, और सरकार को यहाँ पर सख्त निर्देश दे दिए गए थे। हालांकि सरकार ने कुछ महीने का वक्त लिया था, उन्होंने कहा था कि हमें टाइम लगेगा, लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद से सरकार ने एक नया सा फैसला ले लिया उसके बाद से कि वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा अब जो है भर्ती किया जाएगा, ऐसा कहा था। तो लेकिन बता दूं, इसकी जो कोर्ट में यहाँ पर केस चल रहा था और इसका जो केस के बारे में है कुछ यहाँ पर डिटेल्स बताने वाले हैं हम, और यहाँ पर जो सरकार ने क्या कह रखा है इसके बारे में हम बताने वाले हैं इस न्यूज़ में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसको। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर न्यूज़ में क्या लिखा गया है, वॉक इन इंटरव्यू से शिक्षकों की नियुक्ति की योजना पर संशय। तो आप लोग को बता दूँ कि यहाँ पर क्या लिखा गया है, स्कूलों में शिक्षकों की कमी को तत्काल पूरा करने की सरकार की योजना से फिलहाल ब्रेक हटता नहीं दिख रहा है। ऐसे में सरकार के सामने वॉक इन इंटरव्यू के जरिए शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए कोर्ट का मुंह ताकना पड़ रहा है। तो आपको बता दूं कि कई वर्ष से यहाँ पर गेस्ट टीचर की भर्ती हो रही है और उत्तराखंड में, तो यहाँ पर 1 जनवरी 2019 को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि उत्तराखंड में जो है अब गेस्ट टीचर की भर्ती पर रोक लग जाएगी और यहाँ पर जो है अगर सरकार करेगी तो सिर्फ स्थायी भर्ती करेगी, ठीक है ना। तो ये कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था और उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने भी यहाँ पर ऑर्डर दे दिया था। लेकिन अरविंद पांडे ने इन्हें एक नई सोच निकाली, उन्होंने कहा कि वॉक के इंटरव्यू के जरिए यहाँ पे क्यों ना भर्ती को भर्ती कर दिया जाए। उनका कहना है कि आप गेस्ट टीचर ना रखो, लेकिन यहाँ पे जो है हम वॉक इंटरव्यू के जरिए भर्ती कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या कहा गया, गेस्ट टीचर की नियुक्ति पर रोक के बाद बनी थी नई योजना, तो ये नई योजना जो है अरविंद पांडे की बनी है। तो इनका कहना है कि यहाँ पर वॉक इंटरव्यू इंटरव्यू के द्वारा हम यहाँ पर भर्ती करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, इनका जो बयान है बड़ा सा, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने कहा है कि वॉक इन इंटरव्यू का फैसला लेने के साथ ही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने सारी स्थिति रख दी है। तो सरकार ने जो है सारी स्थिति रख दी है, वॉक इन इंटरव्यू क्यों रख रहे हैं। इन्होंने कहा कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमारे पास शिक्षकों की कमी है, तो ऐसे में हम इतनी जल्दी जो है स्थायी भर्ती नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में जो हम यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू हम एक एक साल के लिए यहाँ पर भर्ती करेंगे। हमारा मामला कोर्ट में दूसरे नंबर पे है, इनका कहना है कि कोर्ट में दूसरे नंबर पे है और इसकी सुनवाई जल्दी ही हो जाएगी। और इसमें यहाँ पर लिखा गया है इनका, ठीक है, हमें उम्मीद है कि कोर्ट या तो हमें गेस्ट टीचर की नियुक्ति की अनुमति देगा या फिर वॉक इन इंटरव्यू की। तो आप लोग बड़ा बयान देख सकते हैं कि इनका कहना ये है कि अगर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने अपील कर रखी है कि अगर भर्ती करनी हो तो या तो ये गेस्ट टीचर की भर्ती फिर से करवा दें या तो हम यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा यहाँ पे भर्ती करवाएंगे। तो इस मामले में यहाँ पे कोर्ट में फैसला रखा है जो कि यहाँ पे सेकंड नंबर पर दिख रहा है।